फ्रेंड्स, क्या ड्रॉपशिपिंग इंडिया में प्रॉफिटेबल है? तो इसका जवाब दोस्तों हाँ। और हाँ तो क्यों, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिनसे आपका ड्रॉपशिपिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। दोस्तों यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपको, जो प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है कि जो डेली यूज़ में आता हो, या डेली भी नहीं तो हर अल्टरनेट डे, या ठीक है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज बहुत ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है कि दोस्तों आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचना है, क्योंकि क्या होगा कि दिक्कत कहाँ आती है मैं बता दूँ। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न आएगा। रिटर्न आने में क्या होता है कि माना आपने भेजा, उसको डिस्पैच कर दिया, ठीक है, और कस्टमर ने उसके कुरियर के चार्ज भी वहन कर लिए थे और कस्टमर को वो मिल गया। कस्टमर जब उसको वापस भेजेगा ना कि भाई साहब ये तो क्वालिटी ख़राब है और मुझे नहीं चाहिए, तो वो जो वापस भेजने का जो कुरियर चार्ज होगा उसमें लड़ाई होती है कि वो वापस भेजने का कुरियर, कस्टमर बोलेगा कि मैं क्यों ये कुरियर चार्ज वहन करूंगा यार, क्योंकि आपने गलत भेजा, और आप बोलोगे भैया हमने तो एक बार का भेज दिया। तो इस जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ऐसे केसेस में या तो आपको लॉस वहन करना पड़ेगा या फिर कस्टमर आपके हाथ से जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप यहाँ दोनों तरफ से लूजिंग वाली सिचुएशन में रहते हो। तो दोस्तों क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है आपको, तो आपके रिटर्न्स नहीं आएंगे प्लस आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये दो मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें शुरुआत होती है। उसके बाद ड्रॉपशिपिंग एक बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके ऊपर मैंने कई डिटेल वीडियोज़ भी बनाए हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, देखिए उन वीडियोज़ को।